देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर हम रिसेंटली अगर हम इंडिया की कंडीशन की बात करेंगे, भारत का, तो हमारे आसपास कुछ ऐसा इंसिडेंट अभी कुछ ही दिनों में हुआ है जिसके वजह से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। और ख़ासकर आप देखिएगा कि कोलकाता का जो रेप एंड मर्डर केसेस हुआ 9 अगस्त को, कल का ये केस हम आपको बता रहे हैं वो बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु में, वो भी बताएंगे मैं आपको, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। देन इसके साथ साथ एक गाजियाबाद में इशू हुआ उत्तर प्रदेश, और एक और मामला हुआ है वो फेक ईडी का रेड हुआ है मथुरा में। मतलब कि फेक ईडी आप समझ गए, फेक ईडी बन करके मथुरा में किसी घर में जाके आप रेड मार रहे हैं बिजनेसमैन के घर में। ओवरऑल अलग अलग जुगाड़ है, अलग अलग मामला है, अलग अलग कहानी जो भी चल रहा है। अच्छा एक और केस हुआ आंध्र प्रदेश में जिसमें गर्ल्स हॉस्टल में ना जो लेडीज टॉयलेट उसमें कैमरा लगा दिया गया है, उसमें भी बवाल चल रहा है बहुत ज़्यादा। आंध्र प्रदेश का इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ये कॉलेज वाला इंसिडेंट जब हम आपको बताएंगे तो आपको सुन करके और हैरत होगा कि बा ये हो क्या रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट केस जो रिसेंट में अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट्स आया, ये काफ़ी अपने आप में यूनिक है और काफ़ी ऐतिहासिक भी है और काफ़ी अलग सा भी है। देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके या मेरे जीवन में जो मैरिज है, शादी है, वो हमारी ज़िंदगी को एक दूसरा जीवन देता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप लोग समझते हैं। मतलब शादी के बाद एक नया ज़िंदगी का शुरुआत होता है लड़का और लड़की दोनों के साथ। इसी तरह हमारे भारत में अगर जो शादी टूट जाता है, जैसे अगर कोई मेरे भाई हिंदू हैं तो उनके हिसाब से अलग तरीका है, कोई अगर मुस्लिम है तो उनके हिसाब से अलग है, सिख कम्युनिटी का अलग है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी का अलग है, जिसके रिगार्डिंग हमारे भारत में अलग अलग लॉ भी बना हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सारी चीज़ें ओवरऑल चलती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और शादी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी होता है। अभी हुआ क्या कि साल 2002 में, इन द ईयर 2002 में एक शादी हुआ नॉर्मल जैसे होता है, और जिनका शादी हुआ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी डॉक्टर है और इधर ये भी देखिए ये भी डॉक्टर है। मतलब दोनों क्या है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, अच्छा खासा कमा भी रहा है। 2002 में शादी हुआ, रिमेंबर, जैसे ही इनका शादी हुआ 2002 में, एक महीना ये दोनों साथ में थे, एक महीना दोनों साथ में थे। जैसे मान के चलिए मेरा और आपका शादी हुआ और हम लोग साथ में हैं, एक महीना साथ हैं, उसके बाद हम लोग जुदा हो गए। जुदा हो गए मतलब ऑफिशियली ना डाइवोर्स हुआ ना कुछ हुआ, बस जुदा हो गए शादी के बाद, शादी के एक महीना के बाद। जुदा होने के बाद लगभग मान के चलिए कि 22 साल तक हम लोग जुदा थे, 22 सालों तक हम लोग जुदा हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ना ही हम दोनों के बीच में डाइवोर्स हुआ है ना ही कुछ और हुआ है। और इसी बीच में जो दो व्यक्ति है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर अलग अलग केसेस किया है, सिविल केस, क्रिमिनल केस, बहुत सारे एलिगेशन, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी कुछ हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारा कुछ हुआ। तो अब ये पार्टिकुलर केस मालूम है कहाँ पे पहुँचा, पहले पहुँचा था अलाहाबाद हाई कोर्ट में, मतलब उत्तर प्रदेश। अलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये केसेस पहुँचा, मतलब बेसिकली क्या था कि ये डाइवोर्स का मामला एक था 22 साल के बाद, तो अलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये केस को खारिज कर दिया, मतलब लेने से मना कर दिया। फिर उसके बाद फाइनली ये केस पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट में इस पार्टिकुलर केस के ऊपर जजमेंट्स दिया है। अब देखिए मामला क्या है, आप सभी को मालूम है कि अगर शादी हुआ और उसके बाद मान लीजिए डाइवोर्स होता है, तो लड़का जो है वो लड़की को एक एलिमोनी देता है। एलिमोनी मतलब उसका कंपनसेशन जिसको बोलते हैं, एवरी मंथ या जो भी आपका दिया जाता है वो लड़के के हिसाब से कि ओवरऑल वो क्या कर रहा है। अब आप यहाँ पर इस केस में देखिए कि दोनों प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, मतलब दोनों अच्छा कमा रहा है। केस अलाहाबाद हाई कोर्ट से कहाँ पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला जब सुना, मतलब कि जा रहा था, लिया जा रहा था, तो इसमें साफ साफ यही कहा गया कि आप दोनों का जो शादी है वो 2002 में हुआ था, केस अभी राइट नाउ 2024 में है मामला अभी,
लगभग मान के चलिए कि 22 से 23 साल का जो टाइम पीरियड था आपका, आप लोग इस बीच में क्या कर रहे थे? आप लोग इस बीच में क्या कर रहे थे? अब यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है कि ये जो लड़की है वो नहीं चाह रही थी कि हम इसके से अलग हो जाएं, साथ रहें। तो अब लड़की की तरफ से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो जज की बेंच है उनके सामने बात रखा गया कि हम सेपरेट नहीं होना चाह रहे, डाइवोर्स नहीं देना चाह रहे। तो अब मेरा एक ही सवाल है, जब आप सेपरेट या डाइवोर्स नहीं देना चाह रहे तो 22 साल आप कर कहाँ रहे थे? ये तो वही बात हो गया ना कि हम शादीशुदा भी हैं और हम साथ में भी नहीं हैं। बात समझेगे नहीं? लड़की तो फेक नहीं है। नहीं, लड़की फेक होगी या जो भी होगी, जो केसेस से बता रहे आपको, मतलब आपका कि 22 साल आप कहाँ थे जब इतना ही प्यार था या जो भी चीजें थी, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते हैं मैटर्स को, एक महीना के बाद 22 साल आप बिछड़े हुए हैं, अपने आप में यूनिक है। आई होप समझ पा रहे हैं थोड़ा सा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका जजमेंट्स दिया तो वहां पर यही बात बोला गया कि पहला, आप 22 साल कहाँ थे, तो इसका जवाब कुछ नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अब देखिए, अगर मान लीजिए ये दो व्यक्ति अलग अलग धर्म से जो भी बिलोंग करता है, अलग अलग धर्म से बिलोंग नहीं, मतलब हमारे देश में अलग अलग धर्म से जो भी लोग बिलोंग कर रहे हैं तो सबका एक रीच एंड रिचुअल्स है, एक कल्चरल एंगल अलग होता है शादी करने का और डाइवोर्स का, सब चीज़ अलग होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ना ही इनका हिंदुइज्म धर्म से डाइवोर्स हुआ है और ना ही मुस्लिम एंगल से तलाक हुआ है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरवेन करके फिर ये डिसीजन जो है इस पार्टिकुलर केस में लिया गया है। और मेरे सामने जो आपका आर्टिकल 142 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा कि आपके साथ ह्यूमन का वायलेशन हो रहा है या फिर कुछ ऐसा केस चल रहा है जिसमें उसको इंटरवेन करके उसको इंसाफ देना चाहिए, तो आर्टिकल 142 वहां पर यूज होता है। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या देखा कि लड़का और लड़की शादी जो है किया, एक महीना था और 22 साल तक बिछड़ा हुआ है। और जब ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो उन्होंने पहला सवाल लड़की से ही पूछा कि जब आप इतना ही चाह रहे थे कि साथ में रहना तो 22 साल कहाँ थे। तो पहली बार यहाँ पर ये भी हुआ, हालांकि पहली बार नहीं है, ये बहुत बार हो चुका है, लेकिन क्या है कि जब ऐसा न्यूज़ बनता है तो वो आप समझ रहे हैं कि वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो फाइनली जजमेंट ये दिया आर्टिकल 142 के हिसाब से, अपना जो है पावर दिखाते हुए, कि ये जो पार्टिकुलर मैरिज है आपका जो एक महीना पहले मतलब 2002 में हुआ था, तो आर्टिकल 142 के हिसाब से अपना पावर दिखाते हुए इसको ये बताया गया कि ये एक इररिट्रिएबल ब्रेक डाउन इन मैरिज, मतलब इररिट्रिएबल ब्रेक डाउन इन मैरिज, इसका मतलब ये हो गया कि आप दोनों का जो शादी हुआ था 2002 में, 22 साल आप जो बिछड़े हुए थे, आज से और अभी से आपका डाइवोर्स होता है। मतलब ये थर्ड कैटेगरी आया है, पहली बार फैसला जो हुआ। और इससे पहले एक और केस हुआ था 2023 में, श्रीनिवासन का एक केस हुआ था, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसी जजमेंट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये पार्टिकुलर फैसला लिया गया कि आप दोनों के बीच में डाइवोर्स होता है। तो उसी बीच में फिर ना ये जो लड़की थी ना, इसके पक्ष से जो है सवाल वो रखा गया कि हम सेपरेट नहीं होना चाह रहे। तो सेपरेट अगर नहीं होना चाह रहे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप 22 साल कहाँ थे? तो फिर वो ऑनरेबल जो जज थे उन्होंने सवाल किया, वो तो कोई जवाब नहीं। तो ये आपका क्या हुआ कि ना ही हिंदुइज्म धर्म के हिसाब से हुआ, ना ही मुस्लिम धर्म के हिसाब से हुआ, ना ही कोई और धर्म के हिसाब से हुआ। ये एक तीसरा कैटेगरी हो गया डाइवोर्स का, कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा तो आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग वो जो है अपना दखल दे करके आपको इंसाफ दिलाने के लिए इस तरह का भी मामला क्रिएट कर सकता है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, जो भी राइट ना हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसमें आप देखिए कि इररिट्रिएबल ब्रेक डाउन इन मैरिज, मतलब जब उनको लगा कि नहीं ये वाला चल ही नहीं पाएगा इन दोनों का रिश्ता, तो उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है ओवरऑल। यही मामला था राइट ना, अभी ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये बेसिकली आपका यूपीएससी सीएसी में अगर हम बात करेंगे तो आपका सोशल इश्यूज और देन आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस जीएस2 का पार्ट है, जीएस1 का भी पार्ट है। थैंक यू सो मच।